ऑल राइट फ्रेंड्स, दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्मार्ट गाइड में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको आपके फ़ोन की एक ऐसी ज़बरदस्त सीक्रेट ट्रिक के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे दोस्तों आपके फ़ोन के अंदर कोई भी अगर आपसे फ़ोटो गलती से डिलीट हो जाता है, अगर आप उसे नहीं डिलीट करना चाहते हैं और गलती से वो फ़ोटो डिलीट हो गया है, तो चुटकियों में कैसे आप उसे दोबारा से वापस ला सकते हैं। बस दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक बार एंड तक ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद दोस्तों आप बहुत ही आसानी से किसी भी डिलीट हुए फ़ोटो को अपने फ़ोन में वापस ला सकते हैं। और दोस्तों इसके लिए यकीन करना, आपको कोई भी एप्लीकेशन में इंस्टॉल करने के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि ज़्यादातर एप्लीकेशंस या तो फेक होती हैं या फिर वो आपसे पैसा लेती हैं। लेकिन दोस्तों जो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप कोई सा भी फ़ोन यूज कर रहे हो, आप अपने फ़ोन में बिना किसी ऐप की मदद से किसी भी डिलीट हुए फ़ोटो को वापस ला सकते हैं। अब दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे घर में बच्चे होते हैं जो अक्सर फ़ोन ले लेते हैं, उनसे गलती से बहुत सारे फ़ोटो डिलीट हो जाते हैं और फिर हम कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए, उसके बाद दोस्तों आप खुद किसी भी डिलीट फ़ोटो को वापस ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना आपका टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अपने फ़ोन में इस ट्रिक को करने के लिए आपको सबसे पहले इस बटन को प्रेस करके वीडियो को कर देना है लाइक, उसके बाद इस लाल बटन को प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही इस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाना, कमेंट बॉक्स में आपको एक अच्छी सी कमेंट लिख देनी है, आपको नाइस वीडियो आसम वेरी गुड वेरी नाइस लिख के सेंड कर देना है। और दोस्तों साथ ही आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं इस ट्रिक को भी अपने फ़ोन में सीख सकें। आप जैसे ही इतना कुछ कर लेते हैं, चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि अब आप बिल्कुल 100% किसी भी फ़ोन में अपने किसी भी डिलीट हुए फ़ोटो को चुटकियों में वापस ला सकते हैं। और दोस्तों यकीन करना, आपको ना तो कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, ना ही कोई तामझाम करना है, बस एक बार आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से एंड तक देख लीजिए। ओके, तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैं गैलरी में जाता हूँ और अपनी कोई एक फ़ोटो जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी ये वो फ़ोटो है जिसे कि मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ से मैं इसे इस तरीके से यहाँ पर आकर इसे डिलीट कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी ये फोटो जो है डिलीट हो चुकी है। अब मान लीजिए कि हमारी ये फोटो जो है गलती से डिलीट हुई है, अब इसे मुझे वापस लाना है, तो सिंपली दोस्तों आपको इसी गैलरी में एक बार फिर से चले जाना है। अब दोस्तों आप गैलरी में जाएंगे तो यहाँ पर आपको नीचे 3 लाइन दिखाई दे रही है, तो सिंपली आपको 3 लाइन पर टाइप कर देना है। अब दोस्तों आप जैसे 3 लाइन पर टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, बिन का या फिर रिसाइकिल बिन का। तो दोस्तों आपके फ़ोन में हो सकता है केवल बिन के नाम से हो या फिर रिसाइकिल बिन के नाम से हो, तो दोनों सेटिंग सेम ही है, बस यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपकी जितनी भी डिलीट इमेज होंगी, जो जो फोटोज़ आप डिलीट करते होंगे, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी पिछले 30 डेज की, यानी कि लास्ट 30 डेज तक। तो यहाँ पर ये इमेज 30 दिन तक रहेंगी। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर टाइप कर देना है आप जिस भी इमेज को रिकवर करना चाहते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको रिकवर का ऑप्शन मिल जाएगा, तो सिंपली यहाँ पर आपको टाइप कर देना है और आप देख सकते हैं इमेज रीस्टोर हो चुकी है। अब दोस्तों एक बार फिर से मैं अपनी गैलरी ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर नीचे आ जाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी इमेज जो है गैलरी में आ चुकी है इस तरीके से, और दोस्तों कितनी आसानी से हमारी इमेज जो है रिकवर हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरीके से आप बिना किसी ऐप की मदद से बहुत ही आसानी से किसी भी डिलीट फोटो को रिकवर कर सकते हैं। और दोस्तों ये काफ़ी कमाल की ट्रिक है, आप लोग इस ट्रिक को अपने फ़ोन में ज़रूर यूज कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी करना, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, आपका दिन शुभ हो।